मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू फिट एंड फाइन। वेलकम अगेन EVS ऑनलाइन क्लास। आपकी जो वर्ल्ड अराउंड मी बुक है, वर्ल्ड अराउंड मी एक्टिविटी बुक में वर्कशीट नंबर 14, पेज नंबर 14 ओपन कीजिए। ओपन योर बुक, पेज नंबर 14। सभी बच्चों ने किया ओपन, वेरी गुड। टुडे इज आवर टॉपिक, आज हमारा टॉपिक क्या है? ड्रॉ और स्टिक फोटोज ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के मेंबर्स के फोटो पेस्ट करने हैं। ओके, देखते हैं किस किस फैमिली मेंबर के आपको फोटो स्टिक करने हैं। ओके, फर्स्ट है मदर। देखिए यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, थ्री बॉक्स है इधर और थ्री नेम्स दिए हुए हैं, मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, देखिए मदर, MOTHER, मदर। मदर क्या होती है? माताजी, यानी कि हमारी मम्मा। ओके, फादर, FATHER, फादर। फादर क्या होते हैं? हमारे पापा। ओके, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। एंड सिस्टर, SISTER, सिस्टर। सिस्टर यानी बहन और ब्रदर यानी भाई। ओके, तो देखिए आपको यहाँ अपनी मम्मा की फ़ोटो पेस्ट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ आपको अपने पापा की फ़ोटो पेस्ट करनी है, और यहाँ आपको ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए जिसके भाई है तो आप उस अपने भाई की फ़ोटो पेस्ट करनी है, यदि सिस्टर है तो सिस्टर की फ़ोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। ओके, अब देखिए इसी तरह से आपकी फिट वर्कशीट नंबर है 15, यहाँ भी आपको इस तरह से फ़ोटो पेस्ट करनी है। ड्रॉ और स्टिक फोटोज़ ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। सेम इस एक्टिविटी की तरह ही आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो, अपने फैमिली मेंबर की फ़ोटो पेस्ट करनी है। देखिए ग्रैंडफादर, GRAND, ग्रैंड, FATHER, ग्रैंडफादर क्या होते हैं? दादाजी। ओके, अब देखिए ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर क्या होती है? दादी जी। ओके, देखिए अंकल, UNCLE, अंकल, अंकल चाचा जी। ओके, AUNT, आंट यानी चाची। ओके, तो देखिए यहाँ आपको अपने दादाजी की फ़ोटो पेस्ट करनी है, और यहाँ आपको दादी जी की फ़ोटो पेस्ट करनी है। ओके, और यहाँ आपको अपने अंकल और आंटी की फ़ोटो पेस्ट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको अपने फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो पेस्ट करनी है इन दोनों एक्टिविटीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? हेल्प, आपकी है वर्कशीट नंबर 16। ओके, हेल्प रोनी रीच होम। देखिए रोनी यहाँ पर है, एक बॉय है, और यहाँ पर इसका हाउस है, तो आपको इस रोनी को अपने हाउस तक पहुँचाना है। ओके, तो आप किस तरह से पहुँचाएंगे और इसकी हेल्प करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको रास्ता दिया हुआ है, कुछ में गैप है, तो आप किस तरह से इस अपने घर तक पहुँचाएंगे रोनी को? तो देखिए यहाँ पे रोनी है ना, देखो पहले यहाँ पे आएगा ये, फिर यहाँ से इसने कट किया, फिर इधर आया। ओके, इस तरह से आपको पाथ बनाना है, रास्ता बनाना है, और इसको अपने हाउस तक पहुँचाना है। देखिए इस तरह से बेटा, अच्छे से देखिए। ओके, आपको अपनी बुक में भी ये फिल करना है, देखिए है ना, इस
इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको, अच्छा लग रहा है ना सभी को। देखिए आपकी एक्टिविटी बुक में आपने बहुत सारी न्यू एक्टिविटी की है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो देखिए इस तरह से रोनी अपने हाउस तक पहुंचेगा। ओके, इस तरह से देखिए यहाँ से मार्ग ढूंढा है इसने, इस तरह से इसको घर तक पहुंचाएंगे अपने हाउस तक। ओके, देखिए इस तरह से यहाँ से कट किया और ये अपने हाउस तक पहुंच गया यहाँ से। ओके, पहुंचाया ना देखो इसको अपने हाउस तक। ओके, तो आपको भी अपनी बुक में इस तरह से पाथ बनाना है, रास्ता बनाना है और इसको अपने घर तक पहुंचाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आपकी ये 3 एक्टिविटी अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी नंबर 14, 15 एंड 16। ओके, आपको ये अपनी 3 एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ओके, न्यू क्लास पे न्यू वर्क के साथ मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।